जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारत द्वारा यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कार्तिक पूर्णमासी से संबंधित जानकारी दूंगा। कार्तिक पूर्णमासी को व्रत कैसे रखना है, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए और कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे हमारी सभी मनोकामना पूरी हों। साथ ही कार्तिक पूर्णमासी का क्या महत्व है, कौन कौन से नियम निभाने चाहिए और व्रत कब रखना है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। कार्तिक पूर्णमासी का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कार्तिक मास का अनंत गुना फल कहा गया है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण की पूजा का इस महीने में विशेष महत्व होता है। इस महीने में कई ऐसी पूजा हैं जिनको करने से हमारी हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। सबसे पहले सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। पीपल वृक्ष की पूजा का कार्तिक मास में विशेष महत्व है। साथ ही गौ माता की पूजा का भी विशेष महत्व। ये पांच पूजाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। छठा जो महत्व होता है वो होता है दीपदान का। आप सबने कथाओं में सुना भी होगा कि कार्तिक मास में दीपदान का कितना महत्व है। कार्तिक मास के महीने में आप जो भी उपाय करेंगे उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ उपाय बताऊंगा जो आपको कार्तिक पूर्णमासी वाले दिन करने हैं। कार्तिक पूर्णमासी 18 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी। जो व्यक्ति व्रत रखते हैं, व्रत शाम को खोला जाता है और जो व्यक्ति पूरे दिन व्रत रख करके शाम को कथा सुनते हैं, सत्यनारायण भगवान का व्रत रखते हैं, पूर्णमासी का व्रत रखते हैं, उनको 18 तारीख को जो है पूर्णमासी का व्रत रखना है। 18 तारीख को दोपहर के 12 बजे से पूर्णमासी प्रारंभ हो जाएगी और इस दिन गुरुवार भी है और इस दिन बहुत ही अच्छा युग बना हुआ है और भीष्म पंचक की जो है समाप्ति भी इसी दिन से मानी जाएगी जिन्होंने 14 तारीख को व्रत रखा था, तो बहुत ही अच्छा योग है। उसके बाद में 19 तारीख को दोपहर को 2:48 तक पूर्णमासी रहेगी। लेकिन 19 तारीख को चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, इसलिए व्रत का जो महत्व है वो 18 तारीख का है। 18 तारीख को गुरुवार भी है और पूजा का विशेष महत्व है। 19 तारीख को शुक्रवार है, उस दिन पूर्णमासी दोपहर तक रहेगी। उस दिन आपको विशेष उपाय भी करने हैं। उपाय आप दोनों दिन कर सकते हैं, आप 18 को भी कर सकते हैं, 19 को भी कर सकते हैं, दोनों दिन की पूर्णमासी मानी जाएगी, लेकिन व्रत जो 18 तारीख का ही रहेगा। कार्तिक पूर्णमासी वाले दिन 5 उपाय जरूर करने चाहिए जिनकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहला उपाय, कार्तिक पूर्णमासी वाले दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, साथ ही सत्यनारायण भगवान की इस दिन पूजा करनी है और भगवान सत्यनारायण से हाथ में जल लेकर के संकल्प करना है कि प्रभु आप हमारी यह मनोकामना पूरी करें। ऐसा करके भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण करें, सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, भगवान को फल फूलमाला पान के पत्ते सारी चीज़ अर्पण करें। साथ ही इस दिन छोटा सा हवन कुंड बना लें, छोटे से हवन कुंड में अग्नि जला लें और उसके अंदर आपको आहुतियाँ देनी है संतान गोपाल मंत्र की। अगर आपको पुत्र की चाहत है, संतान की चाहत है, तो संतान गोपाल मंत्र की आहुति देनी है। साथ ही कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमः, हर प्रकार के कलेशों का, हर प्रकार की व्याधाओं का नाश हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पुत्रे च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात, आदि मंत्रों से जो भी मंत्र आप पढ़ाते हों इस दिन आहुति जरूर देनी चाहिए। और फिर जब आहुति दे ले आप तो 108 आहुति संतान गोपाल मंत्र की दें लास्ट में, फिर 11 आहुति गायत्री मंत्र की दें। जब आप संतान गोपाल मंत्र की आहुति दे रहे हों तो उस समय लास्ट में 21 आहुति खीर से देनी है आपको। इस दिन खीर बनानी है, केसर डाल करके पंचमेवा डाल करके भगवान को इस खीर का भोग लगाएं और इससे आप आहुति भी दें और पति पत्नी इस खीर का सेवन भी करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। दूसरा जो उपाय है वह है 365 भक्ति का। कार्तिक मास में आपने कथाओं में सुना होगा कि दीपदान का बहुत महत्व होता है।
जो व्यक्ति प्रतिदिन कार्तिक के महीने में दीपदान करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। 365 बत्ती का मतलब यह है कि पूरे साल के दीपदान का फल सिर्फ एक दिन में आपको प्राप्त हो जाएगा। एक नारियल लेना है जो सूखा नारियल होता है, उसके मुंह को काट करके उसके अंदर आपको 365 बत्ती रख देनी है। आप हाथ से भी बना सकते हैं, बाजार से ही बनी हुई मिल जाती है। उसमें तिल का तेल या घी डालना है, ऊपर कपूर रखना है, साथ ही आपको एक कच्चा सूंठ लेना है। एक थाली में रोली, चावल, कुछ मीठा और 365 बत्ती, ये सारा सामान रख लें और पीपल वृक्ष के नीचे आपको जाना है। सबसे पहले आप जो 365 बत्ती हैं वो वहाँ पर रख देंगे, उसके बाद में उनके बत्तियों के ऊपर थोड़ा सा कपूर रख देंगे और वह जला देंगे। उसके बाद वहाँ पर आप थोड़े से चावल रोली छोड़ेंगे और 7 परिक्रमा आपको पीपल वृक्ष की करनी है, 7 बार कच्चा सूंठ लपेटना है। उसके बाद में 101 परिक्रमा और करनी है, यानी कुल मिलाकर के 108 परिक्रमा आपको करनी है पीपल वृक्ष की अपनी मनोकामना बोल करके। इस दिन भोजपत्र पर अपनी मनोकामना लिख करके पीपल वृक्ष के नीचे दबा दें, या आप भोजपत्र ना हो तो सादा कागज पर भी अपनी मनोकामना लिख करके दबा दें। एक कागज पर या भोजपत्र पर अपनी मनोकामना लिख करके भगवान विष्णु के सामने भी आपको रखना है, जिसे अरदास बोलते हैं, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तीसरा जो उपाय है, इस दिन आपको भगवान विष्णु के सामने आंवला और तुलसी अर्पण करनी है भगवान को, और 108 परिक्रमा भगवान की लगानी है। नारियल अर्पण करना है, फल अर्पण करने हैं। निसंतानों को झोली में वह नारियल लेना प्रसाद रूप में, उसका प्रसाद बनाना है। ये छोटी सी बातें हैं, उपाय हैं, इनका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव होता है। अगला ही उपाय है इस दिन गौ माता की पूजा का। इस दिन गौ माता की पूजा का विशेष महत्व है। गौ माता की पूजा करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन गौ माता को आप मीठा खिला के आएँ, जो भी आपके घर में बना हो गौ माता के मस्तक पर टीका करें, गौ माता की परिक्रमा करें, इसका विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णमासी वाले दिन आप एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन भी कराएं, उनको आप एक जोड़ी वस्त्र दें, दक्षिणा दें, आप जो भी सामान दें अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको भोजन कराने के बाद में जरूर दें और उनका आशीर्वाद भी जरूर लें। इससे एक प्रकार से उद्यापन सा भी हो जाता है और आपकी हर प्रकार की मनोकामना भी पूरी होगी और आपको व्रत का फल भी मिलेगा। आपने पूरे महीने कार्तिक के महीने जो नियम निभाए हैं, कार्तिक पूर्णमासी वाले दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन करा करके उनको दक्षिणा दें, साथ ही अपने बुजुर्गों को भी आप वस्त्र आदि दें, इससे पूरे महीने का फल आपको प्राप्त होगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी हुई, ये उपाय आप जरूर करें। जो भी आपके मन में कामना है, प्रत्येक मनोकामना आपकी पूरी होगी। कार्तिक पूर्णमासी बड़ी पूर्णमासी है। चंद्र ग्रहण का भी विशेष नियम रहेगा इस दिन। चंद्र ग्रहण की वीडियो की जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा। चंद्र ग्रहण से संबंधित पूरी जानकारी आपको उस वीडियो में प्राप्त होगी। तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। जय श्री।